साबित करेंगे कि आप अल्लाह तबारक व तआला के गुस्ताख हैं, नबी पाक अलैहि सलाम के गुस्ताख हैं, सहाबा इकराम के गुस्ताख हैं। नूरी सुन, बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख। और कबूल करता हूँ मैं तेरे मुनाजरे के चैलेंज को, कबूल करता हूँ। सूफी कौन सा पुराना है यारा, 500 साल पहले हुआ, 500 साल बाद मैं भी सूफी बना होगा, मैं तो हूं ही बन गया जे। हाँ गैरत के बारे में, उस तल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो तल्ला और तल्ले तवज्जो, बैठ जा तवज्जो। हम जबरन क्यों मनवाना चाहते हैं दूसरे को, फतवों के तीर चलाकर, तलवारें चलाकर हम खून खराबा क्यों करते हैं? जज्बात का खून खराबा, इंसानी एहसास का खून खराबा, इंसान की इज्जत और तकरीम का खून खराबा क्यों करते हैं? हमारे मुआशरे में तो खुलम खुला जो जाहिर इज्जत होती है वो भी खत्म हो गई है, उसकी कदरें भी मिट गई हैं, और मजहबी और दीनी तबकात में हम एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे पर तानाजनी करते हैं, तीर मारते हैं, एक दूसरे की तकफीर करते हैं, तफसीक करते हैं, तदलील करते हैं, तोहीन करते हैं, तहकीर करते हैं, यानी एक दूसरे को हकीर कहते हैं। कहते हैं जानना भी एक अलग बात है, हकीर जानना, वो जानते भी हैं कहते भी हैं, और निजी मजलिस में नहीं अब स्टेजेस पे पब्लिकली कहते हैं। एक दूसरे को गुमराह बनाना, फासे को फाजिर बनाना, उठा के जहन्नुम में धकेलना, नफरतें फैलाना, गुस्सों का इजहार करना एक दूसरे के लिए, ये हमारे रवैये हो गए हैं। इन रवैयों का दूर दूर तक आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने बरगजीदा नबियों रसूलों को यह जिम्मेदारी नहीं दी कि आप उनसे मनवाए, पर मैं अब बात पहुंचा दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन का माना ही है, हर खिताब के एंड पर आप कहते हैं कि नहीं, हर खिताब के एंड पर हर आलिम, हर दाई, हर मुबल्लिग कहता है कि मेरी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पहुंचा देना, बस पहुंचा दें। पहुंचाने वाला गाली कैसे दे सकता है? पहुंचाने वाला उसको लाठी कैसे मार सकता है? पहुंचाने वाला दूसरे की तजलील कैसे करता है? उसने तो पहुंचाया नहीं था। हम जो करते चले जाते हैं उसको एक दीन का टाइटल दे देते, हमने दीन के साथ मजाक कर दिया, और दीन को उठाकर और दीन की हुरमत को उठाकर गली कूचों और सड़कों पे ले आए, उनको अवामी नारों में बदल के हमने एक नफरत का बाजार गर्म कर दिया। हम नौजवान नस्ल को और आलम इंसानियत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमने कितने फासले कर लिए आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से। सबसे बड़ा हक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो दीन की पहचान समझे जाते हैं, जो दीन के मुबल्लिग हैं, लोग जिनसे दीन सीखते हैं उनके कौल से भी उनके अमल से भी। दीन का नुमाइंदा कहलाने वाले, दीन की पहचान कहलाने वाले लोग जिन्हें देखकर सुनकर दीन को सीखें, अगर उनकी जुबान पर गाली आए, वो नफरत की जुबान में बोले, वो तान और तशनी की जुबान में बोले, वो एक दूसरे के खिलाफ ललकार करें, अगर उनके मुंह पर गाली आए तो दीन का क्या बच जाएगा उस सोसाइटी में? बोलिए, अपने तौर तरीके बदलने होंगे, अपना बर्ताव बदलना होगा, अपने रवैयों को तब्दील करना होगा, और नफरतों को निकाल कर उस जगह मोहब्बत को पुर करना होगा, भरना होगा, गैज़ो गजब की जगह पे शफकत और नरमी को पुर करना, दूसरे को बेइज्जत करना, नंगा करना, ललकारना, उसकी तजहीक करना, तजलील करना छोड़कर हर एक को एहतराम देना होगा, इख्तिलाफ राय का भी एहतराम करना, इख्तलाफ राय की जगह देनी होगी, गुंजाइश देनी होगी, दूसरे को स्पेस देनी होगी, उसके ख्यालात को ध्यान से सुनना होगा, एहतराम करना होगा, और इख्तलाफ का जवाब भी देना है तो दलील से देना होगा, तलवार से नहीं, गाली गलौज से नहीं, बकत हुस्न दलील से, दलील की कुव्वत से।
और वो दलील की कुव्वत भी जब दें तो उसको ऐसा न लगे कि मुझे बेइज्जत कर रहा है, ऐसा लगे कि अपना नुक्ता नजर दलील से मेरे आगे पेश कर रहा है। वो मान ले अल्लाह पाक का तरीका। अल्लाह ने अंबिया को फरमाया, आका अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे महबूब बस आपका इतना काम है कि दलील से मेरी बात उन तक पहुंचा दे, मानना ना मानना उनका काम है, ये मैं जानू मेरा काम जाने, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है।